वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज तुहाडे नाल भाई हरवान सिंह बब्बर भुल्लर का इतिहास सांझा करांगे, जिन्हां का इतिहास भाई करमजीत सिंह सिखां वाला ने अपनी पुस्तक दे विच बयानिया है। गरीब सिखां दी पातशाही नूं कायम दायम रखण दे लई जिला मुक्तसर दे पिंड भुल्लर विखे एक गरीब पिता सरदार करतार सिंह जी दे घरे माता गुरदेव कौर जी दी सुलखणी कुखों चढ़ते विसाख सन 1962 ईस्वी नूं एक जोधे ने जन्म लिया। गुरु साहब जी दे हुक्म ते हाहा अखर ते आप जी दा नाम हरवंश सिंह रख्या गया। आप जी दे नानके पिंड रामियाणे सन ते नानका परिवार बड़ी ही भै भावनी वाला गुरमत नूं परनाया होया सी, पर आप जी दा कोई मामा नहीं सी। इस थोड़ नूं समझदियां नानकियां ने हरवंश सिंह नूं अपने कोल ही बचपन तों रख लिया सी, जिथे उन्हां पहली तों अठवीं तक की विद्या प्राप्त की। नौवीं ते दसवीं जमातां उन्होंने अपने पिंड भुल्लर तो पास कीतियां। सन 1969 ईस्वी विच आप जी नूं बतौर इलैक्ट्रीशियन गुरु नानक थर्मल प्लांट विच नौकरी मिल गई, जिथे आप जी ने 2 साल के करीब काम किया। सन 1980 विच आप जी की शादी पिंड बहवल कलां के सरदार इंदर सिंह की लड़की बीबी जसविंदर कौर नाल हुई। आप जी के घर सन 1984 विच एक लड़की ने जन्म लिया ते सन 1986 विच एक लड़के ने जन्म लिया। थर्मल प्लांट की नौकरी तो बाद आप जी ने पिंड कोसमा खेतीबाड़ी का काम भी किया। आप जी का मेल भाई हरभजन सिंह बब्बर डेलियावाली नाल पिंड रामियाणे के गुरद्वारा साहब विखे होया। पंथ की त्रासदी के हालात सुन के आप जी गंभीर रहन लग पे। आप जी खंड कीर्तनी जथे के रैन सवाई कीर्तनी समागमां ते जाण लग पे। आप जी ने कई दफा अमृत संचार समागमां विच गुरु साहब जी के सन्मुख पंजा प्यारियां दे पेश हो के अमृत छकन की जाँच न की थी, पर आप जी वापस मुड़ते रहे, क्योंकि अमृत की यह मर्यादा है कि गृहस्थी जीवन सांझ अंदर परिवार के सारे मैंबरां नूं पति पत्नी नूं अमृत छकाया जाता है। भाई साहब जी लंबी सोच रहे सन, क्योंकि वह बब्बरां दे दुष्ट सोध जथे दे विच शामिल हो गए सन, इस करके वह अपनी धर्म पत्नी नूं मजबूर नहीं कर सकते सन। बाद विच पंजा प्यारियां ने उन्हां तों गुरु साहब जी दे सन्मुख कई वचन लए ते अमृत की महान दा दी। आप जी बबरां दे गुप्तचर दे तौर ते वेरवे इकट्ठे करन दे लई पिंडां दे विच विचरन लगे। इस दौरान सन 1999 विच गुरु दी टाब मेले ते आप जी बारे मुखबरी हो गई ते आप जी फड़े गए। आप जी ते साधारण केस पा दिता गया, जिथों आप जी 22 दिनों बाद जमानत हुई आप जी दी ते बबरां दी आप जी नूं गुप्त नाम करम सिंह हैंडी दिता। बबरां ने अगों तो आप जी नूं करम सिंह हैंडी दे नाम नाल जाणिया जांदा सी। आप जी ने पिंडां विचों सरकारी मुखबरां पंथ विरोधी ताकतां बारे तत्थ इकट्ठे करन दे काम नूं तनदेही दे नाल निभाया, पर आप जी दी इच्छा सी कि वह जंगजू एक्शनां विच वी जाया करन, जिस कारण आप जी दी सेवा हरी सिंह बब्बर लहरा ते मेहरवान सिंह बब्बर बुटर सूहरी नाल लग गई। विसाखी के प्रोग्राम के संबंध में आप जी बठिंडे जिले के पिंड पोखड़े अपने एक रिश्तेदार को रुके हुए सन, जिथों आप जी ने भाई बलविंदर सिंह बब्बर गंगा नूं नाल लिया के दमदमा साहिब तलवंडी साबो जाना सी। पर आप जी जिस घर के रुके सन उस घर की पिंड विचले दूजे घर के नाल कोई बहुती चंगी बनी नहीं सी, इतों ही पुलिस को मुखरी हो गई। 5 अप्रैल 1992 दिन एतवार नूं सुबह 2 बजे के करीब पुलिस के कमांडवां ने पिंड नूं घेर लिया। जदों अमृत वेले इशनान करके पिंड के गुरद्वारा साहब विखे आप जी सेवा करन जा रहे सन, तो कमांडवां ने घेर के आप जी नूं जिउंदा फड़न का यतन किया, पर आपने हौलदार हरी प्रसाद नाम के कमांडो नूं जफ्फा मार लिया ते उहदी धौण नूं अपनियां बाहां दे विच लै लिया। आप जी ने उस हौलदार की स्टेनगन खोहण की कोशिश की, स्टेनगन तो खोई नहीं गई, पर आपने हौलदार की गिची नहीं छटी जब तक हौलदार मर नहीं गया। दूजे कमांडों ने भाई साहब जी दे 30 गोलियां मारियां। दिन चढ़न तो पहला ही पुलिस वाले अपने कमांडो हौलदार ते भाई साहब जी की लाश नूं चुक के बठिंडे लै गए। सो इस तरह भाई हरवंश सिंह बब्बर का इतिहास सामने आता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।